दोस्तों फिशर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फिशर को दोस्तों मुझे लाए हुए तकरीबन 2.5 महीने हो चुके। आने के 1 महीने बाद जो है जब ये सेट हो गए थे इसमें अंदर, तो फिर जो है मैंने मटकी लगा दी थी। उसके बाद जो है थोड़ा टाइम बाद नेस्टिंग कंप्लीट कर ली थी अपनी, और अभी भी जो है मटकी के अंदर नेस्टिंग पूरी हुई थी। लेकिन जो है ना वो दोस्तों अभी तक कोई ब्रीड नहीं आई है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ है कि एक बिल्कुल जो है ना छोटा सा चूहा इधर सेटअप पे घूम रहा है। मैंने काफ़ी टाइम उसको नोट किया है, कभी इधर होता है कभी केजेस के अंदर होता है। रात के टाइम बता रहा हूँ, दिन के टाइम पे तो वो आता ही नहीं है, गायब हुआ हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं कितनी सी जाली मेरी उंगली के बराबर है, इतना छोटा सा है कि इसमें से अंदर भी चले आता है, यहाँ से जो है वो बाहर निकल के फटाफट गायब भी हो जाता है। कि वो फिशर के खाने में ही आके जो है ना वो जो खाना पीना होता है उसका, इसमें आके जो वो चढ़ जाता है, घूमता रहता है, रात भर इधर ही होता है मेरे ख्याल से। जिस दिन मैं ऊपर नहीं आता हूँ तो वो मेरे ख्याल से इधर ही बैठा रहता होगा सारी रात, और ना जिस दिन मैं आ जाता हूँ इधर बाहर की तरफ तो वो देख के जो है वो गायब हो जाता है। तो ये एक वजह है दोस्तों इसकी। आपको जो है नेस्टिंग जो है इन्होंने कंप्लीट कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और बिल्कुल सेटल पियर है, चोंच वोच भी मिलाते हैं आपस में जो है, और खाते पीते भी फुल मज़े से खाते हैं। नर मादी कन्फर्म है बड़े। और मैंने जब मटकी लगाई थी उसके थोड़े टाइम बाद ये लोग जो है मटकियों में जाना भी शुरू कर दिया था इन लोगों ने, लेकिन फिर जो है अभी कुछ जो है 15-20 दिन से इधर एक चूहा घूम रहा है। तो दोस्तों चूहे का मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जगह पर आके बैठता है इस वाली जगह पर जहाँ पर मैं अपना सामान रखता हूँ खाने पीने का। यहाँ पे भी आके मैंने बहुत दफ़ा देखा है, रात के टाइम पे अगर मैं यहाँ से अंदर आता हूँ तो मुझे जो है यहाँ से कोई चीज़ ना फुल तेज़ी से ऐसे ऊपर जाते हुए नज़र आती है। मैंने इधर भी 2-3 दफ़ा देखा है, और मैं आपको छिलके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये दाना रखा हुआ होता है, इस सूरजमुखी के छिलके नज़र आ रहे होंगे, तो ये सब ये आके खाते हैं। और मैंने इधर जो है वो चोटी वाला पाउडर छिड़के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोटियाँ हो गई थी इधर जो है छिलकियों की वजह से। कभी भी जो है सेटअप पे जब से मैंने तोते वोते रखे हैं, कोई चूहा चिपकली वगैरह का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी जो है वो पहली दफ़ा कोई चूहा आ गया छोटा सा, और उसको जो है ना मज़े लग गए। वो कभी इधर घुसा हुआ होता है, कभी इधर आ जाता है, और बहुत दफ़ा मैंने डफ की कॉलोनी में भी देखा है, तो वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है परिंदों को। तो देखेंगे दोस्तों, कभी भी उसको मैं पकड़ूंगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस यही आपको बताएं दोस्तों फिशर के बारे में, कि फिशर ने जो अब तक कोई ब्रीड वगैरह नहीं करी है। तो ओके दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।